वेलकम वेलकम टू सोशियोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशियोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। जैसा कि आप थंबनेल में आप देख रहे होंगे, विषय आपका समाजशास्त्र और हल प्रश्न पत्र हम 2013 का लेकर के आए हैं। लेक्चर ये आपका 3 है, 2 लेक्चर इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप प्ले लिस्ट में जा कर के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम 25 एमसीक्यू पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इस लेक्चर में हम आपके लिए 51 से लेकर के 70 तक लेंगे, ठीक है। और 51 ये पहला प्रश्न है हमारा, पूछ रहा है वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत का दृष्टि निम्न में से कौन सा है? दो साइकिल वाले सवारों का एक दूसरे से टकराव, बी है ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री, सी है दो साइकिल सवारों की एक दूसरे से टकराने के बाद मतलब जो लड़ाई करते हैं मूसेबाजी करना, और डी है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्ति का छाता खोलना। कौन से सामाजिक कृत्य है मैक्स वेबर के अनुसार? 51 का राइट आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल राइट बताया आपने आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दो साइकिल सवार व्यक्ति एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उसके बाद वह एक दूसरे से झगड़ते हैं, उसको सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है, ये मैक्स वेबर ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 52 स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? कौन सी प्रक्रिया नहीं है, इसको हमने पहचान करनी है। ए है सामाजिक विघटन, बी है एकीकरण, और आपका सी है सामाजिक विघटन, और डी है आपका संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने प्रश्न है और इसका आपको आंसर बताना है क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संवेदनशीलता। ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि संवेदनशीलता ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं, सहभागी और असहभागी। सहयोग समायोजन एकीकरण और आत्मसात्मीकरण ये सहभागी प्रक्रिया हैं, और जबकि संघर्ष प्रतिस्पर्धा आपके ये आपकी असहभागी वो प्रक्रिया में चला जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 53 पूछ रहा है, अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था, मतलब उनके गुरु कौन थे, पूछ रहा है। ए है मैंटेस्क्यू, बी है मॉर्गन, और सी आपका सेंट साइमन, और डी है रेडफील्ड। तो आई होप आप इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आंसर इसका सभी लोगों को पता है। और इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर का सी हो जाएगा, सेंट साइमन इनके गुरु थे अगस्त कॉम्ट के, ठीक है। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर, पूछा दुर्गिम के अनुसार आगुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ए दमनकारी, बी क्षतिपूरक, और सी आपका आदर्शात्मक, और डी है औपचारिक। 54 आपके सामने प्रश्न है और उसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर है करेक्ट क्षतिपूरक। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55, पूछा सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होती है? ए औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, बी औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, और सी आपका औपचारिक एवं अनौपचारिक नियमों द्वारा एवं विनियमावलियों द्वारा, और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 55 का आंसर बताएं क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं अनियमों द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 56 ये रहा स्क्रीन पर, पूछ रहा है पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? ए प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्वदृष्टि है, बी है 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं, सी आपका औद्योगिक समाजों में समाजों की जो भौतिक उपलब्धियां होती हैं, और डी है जीवनाभिमुखी मूल्यों का गुणवत्ता। प्रश्न नंबर 56 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 57 स्क्रीन पर,
और मिलान करना है, हमने कूट लेखन भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, इनको देखना है। ये पहला है सहयोग, दूसरा है संघर्ष, और तीसरा आपका प्रतिस्पर्धा, और चौथा आपका सात्मीकरण। इधर दिया है कूट लेखन, ए में दिया है एक और दो सही है, कि बी में दिया है एक दो तीन, और सी में दिया है दो तीन चार, और डी में दिया है एक और चार। इसका आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। 57 प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, और इसका आई होप आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। बिल्कुल डी दिया आपने, राइट आंसर आपका सहयोग और सात्मीकरण, ये दोनों आपके सहयोग प्रक्रिया हैं, और संघर्ष प्रतिस्पर्धा ये आप सभी लोग जानते हैं, असहयोग हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक चयनवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार से जो ठीक करता है। ए है आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, बी है आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते, सी है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, और डी दिया आपका आर्थिक और उत्पादन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। 58 आपके सामने प्रश्न देख रहे होंगे जो कि आप, और इसका आपको राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, सी इज़ द करेक्ट आंसर आपका, आर्थिक और तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है। और प्रश्न नंबर 59 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण से संबंधित है, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल कल्याण के लिए आता है। ए में अनुच्छेद 15(4) व 16(4), और डी बी में दिया है अनुच्छेद 39 व 40, और सी में दिया आपका अनुच्छेद 110 और 112, और डी में दिया है अनुच्छेद 50 और 51। और आई होप इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर ही देंगे इसका। बिल्कुल राइट आपने बताया है, अनुच्छेद 15 और 16। आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख सकते हैं, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सी बातें की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने पूछा, जब हम परिवारों को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ए समिति, बी संस्था, और सी समुदाय, और डी ब्रहा समूह। क्या कहते हैं, जब आप अपने परिवार को व्यक्तियों को एक संगठन समूह में के रूप में देखते हैं तो आप उसको क्या मानते हैं। अगर आप समाजशास्त्री हैं बाकी में तो आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने प्रश्न जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आपका, सम्मिति कहेंगे आप। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। ए भाषा, बी है प्रतिमान, सी है भूमिकाएं एवं परिस्थिति, और डी दिया है संस्थाएं। प्रश्न नंबर 61 इसका राइट आंसर बताएं। इसमें आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि छोटे प्रश्न हैं जो कि सरल प्रश्न हैं, तो आप जिसका तुरंत आंसर ही बताएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाषा, ये सामाजिक संरचना का जो है पहलू नहीं है, और बाकी तीनों पहलू हैं सामाजिक संरचना के। नेक्स्ट प्रश्न 62 आप स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस विवाहों की मनाही करता है। ए सगोत्र विवाह, बी सपरिवार विवाह, सी है सपिंड विवाह, डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 62 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न देख रहे हैं आप, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और राइट आंसर है इसका सी, सपिंड विवाह को मनाही करता है 1955 अधिनियम विवाह। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, संस्कृतिकरण से तात्पर्य है, कल्चरलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। ए है जाति संरचना में परिवर्तन, बी है जाति संरचना का परिवर्तन, और सी दिया जाति संरचना का परिवर्तन, और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 63 क्या राइट आंसर है, इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाए आपका का 4, उपयुक्त में से कोई नहीं है संस्कृतिकरण से तात्पर्य। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है। ए श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, बी श्रमिकों का विस्थापन, सी बाल श्रमिकों की वृद्धि, डी संविदा श्रमिकों की वृद्धि। प्रश्न नंबर 64
इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, बुर्जुआकार क्या है? ए श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, बी मध्यवर्गीय पहचान का पुनरुत्पादन और सी दिया है श्रमिक वर्ग में मध्यवर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना करने प्रक्रिया और डी दिया आपका और दो का स्वचालन। प्रश्न नंबर 56 इसका राइट आंसर क्या है और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आई होप आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, श्रमिक वर्ग में मध्यवर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, ठीक है, जो कि श्रम विभाजन श्रम वर्ग पर आधारित है जीवन शैली। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न पूछ रहा, कौन समिति का लक्षण नहीं है? ए लोगों की सामूहिकता, बी कतिपय उद्देश्यों का होना, सी दिया स्वेच्छेद सदस्यता और डी दिया आदर्श मानदंडों का अनुसरण। प्रश्न नंबर 66 इसका राइट आंसर क्या है और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आदर्श मानदंडों का अनुसरण, ठीक है। ये देखिए कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट, पहला दिया है व्यक्तियों का संगठन और दूसरा दिया है निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और ऐच्छिक सदस्यता होनी चाहिए और विचारपूर्वक संस्था स्थापना होनी चाहिए और नियमों पर आधारित होनी चाहिए समिति और अस्थायी प्रकृति, ये समिति के कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट, जो कि आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में अपनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 67 पूछ रहा है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की ओर प्रक्रिया हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए प्रसार, बी प्रसंस्कृति ग्रहण, सी दिया आपका संस्कृति ग्रहण और डी दिया है प्रति प्रसंस्कृति ग्रहण। प्रश्न नंबर 67 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है आपका बी, प्रसंस्कृतिकरण संस्कृति ग्रहण राइट आंसर है। जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति पर परिवर्तन पड़ता है तो उसे संस्कृति ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 68 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा, कौन सी संस्कृति की विशेषता है? ए संस्कृति दैवीय उपकरण है, बी संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, सी संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, डी संस्कृति पर्यावरण का हेर फेर है। प्रश्न नंबर 68 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, जो कि आप देख रहे होंगे, इसका आपको कमेंट करके राइट आंसर का चयन करना है, तो फटाफट बताएं क्या है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है और संस्कृति की बात करें तो केवल मनुष्य में ही पाई जाती है, पशु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 69 पूछ रहा है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? ए प्रतीक, बी भाषा, सी प्रतिमान और डी स्तरीकरण। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, संस्कृति स्तरीकरण नहीं है इसकी भाषा, तत्व नहीं है इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है? ए सकारात्मक नियंत्रण का, बी नकारात्मक नियंत्रण का, सी अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नकारात्मक नियंत्रण का है, जब कोई व्यक्ति अपनी जाति से निष्कासन होता है। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन नकारात्मक नियंत्रण का एक उदाहरण है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 71 धर्म परिवार विवाह जाति किसके उदाहरण है? ए सामाजिक मूल्यों के, बी सामाजिक संस्थाओं के, सी दिया है सामाजिक मानकों के, डी है समाज के सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। प्रश्न नंबर 71 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक संस्थाओं के को निश्चित इसमें हेतु या विशेषताओं विशेषज्ञों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रतिबद्ध से संबंधित नहीं है? ए निकटाभिगमन निषेध, बी है बहिर्विवाह, सी है आपका अंतर्विवाह और डी है बहुपति विवाह। प्रश्न नंबर 72
का राइट आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर की बात करें तो डी राइट आंसर है, बहुपति विवाह राइट आंसर आपका, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 पर चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ए 1955, बी 1956, सी 1961 और डी है 1973। कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर है 1955। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को ये तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 74, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ए औद्योगिक समाज का उन्मूलन, बी स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, सी प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, डी है वैश्विक उष्मीकरण। प्रश्न नंबर 74 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, ये इको फेमिनिज्म का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है 75, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रकटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई जाती है और स्वीकार की जाती है? ए जनजातीय, बी ग्रामीण, सी आपका शहरी और डी है विश्वनगर। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीन प्रकटना है जो कि किस समाज में पाई जाती है और उसे स्वीकार भी की जाती है, इसका राइट आंसर बताना आपको 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्वनगर इसमें पाई जाती है लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन, ये 2013 का प्रश्न पत्र था, लेक्चर आपका 3 था ये, और इसके पहले वाले लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं बहुत सारे, आप प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना ज़रूर ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।